इंडिया के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आई। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। बिहार के औरंगाबाद जिले के देव थाना परिसर में सर्किल इंस्पेक्टर विजय कुमार सिंह, वीडियो अमरेश कुमार मिश्रा, थानाध्यक्ष वेंकटेश्वर ओझा की संयुक्त अध्यक्षता में आस्था का महापर्व दुर्गा पूजा और लोकतंत्र का महापर्व बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसीओ कुमार वीरेंद्र देव, पंचायत मुखिया उमा देवी, एएसआई हलधर यादव, टुनटुन चौधरी, शांति सहनिगरानी समिति के अध्यक्ष शशि पाठक, पंचायत समिति सदस्य सुधीर सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। बैठक में मौजूद पदाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 को लेकर आस्था के महापर्व दुर्गा पूजा को लेकर सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक स्थल पर पूजा पंडाल एवं मूर्ति बैठाने एवं सांस्कृतिक आयोजन नहीं किया जाना है। समिति को निर्देशन दिया गया कि इस बार कोरोना वायरस को लेकर के जो गाइडलाइंस आया है उसके अनुसार किसी भी तरह के पूजा पंडाल का आयोजन नहीं किया जाएगा। नवरात्रि के दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन सड़कों या पंडालों में नहीं होगा। वहीं देव थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों से आए पूजा समिति के लोगों का कहना है कि वर्षों से पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। यह ठीक बात है कि सार्वजनिक पूजा आयोजित कर भीड़ भाड़ नहीं लगाना है, लेकिन कई पूजा समितियों ने प्रतिमा का निर्माण करा लिया है तो ऐसे में पूजा टाला नहीं जा सकता। वैसे स्थिति में सिर्फ 5 व्यक्तियों के साथ पूजा पाठ करने की अनुमति दी जाए। पंडाल का निर्माण नहीं किया जाना है, भीड़ एकत्रित नहीं करना है, लेकिन मूर्ति पूजा की इजाजत दी जाए। पूजा समितियों की यह जिम्मेवारी होगी कि भीड़ नहीं लगने दें, जिस पर अधिकारियों ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार सार्वजनिक पूजा पर रोक है। देखिए औरंगाबाद से वीरेंद्र यादव की रिपोर्ट। आज का जो बैठक किया गया सर, इसके बारे में बताइए कुछ। आज हम लोग शांति समिति का बैठक किए हैं। दशहरा का पर्व आ रहा है, इसमें कहीं मूर्ति बैठने का नहीं है, कहीं पंडाल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ बीमारी का जो है कोरोना का है, इसके चलते हम लोग को अपना अपना दूरी बनाकर रखना है। और इसी समय में सभी शांति समिति लोग बुला करके इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। यूपी के कानपुर देहात के रंगिया क्षेत्र के ग्राम हृदयपुर में नाली व खड़ंजा न होने की वजह से लोगों का वहां से आना जाना नहीं हो पा रहा है, जिससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान से कहा, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए रंगिया से अमित सिंह की रिपोर्ट। मैं हृदयपुर ग्राम में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि माननीय श्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि गड्ढा मुक्त सारी सड़कें होंगी, बट अभी तक यहाँ ये जो ग्राम है, यहाँ की कई सड़कें मैंने दिखाई हैं टीवी चैनल पर कि यहाँ की सड़कें ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल सबको विज्ञापन सौंपते हैं यहाँ के लोग, लेकिन कोई काम ही नहीं करता इन सड़कों पर। आप देख सकते हैं ये जो सड़क है, 20 सड़क से पानी है तो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते, कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकती है, इतनी समस्या है लोग बागों को। जो प्रॉब्लम में आ करके लोग बाग इतने प्रॉब्लम में हैं, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही इनकी। हर जगह जाते हैं ग्राम प्रधान, सेक्रेटरी, लेखपाल, कानून को, यहाँ तक तहसील दिवस में जाकर तहसील में भी ज्ञापन सौंपा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। आइए आपको स्थानीय लोगों से बातचीत करवाते हैं, आखिर अभी तक क्यों नहीं बना। बात आइए, आपका नाम जी सर, क्या समझिए सर, प्रधान जी ने नहीं बनवाई? कोई आता है कभी, आया कोई? कोई यहाँ देखने तक नहीं आया, बनी है नहीं बनी है, एक समस्या नहीं, पूरे गांव यहाँ सड़क भी पड़ी, यहाँ से आरसीसी पड़ी, लेकिन यहाँ नाली नहीं बनी है। आरसीसी पड़ने से क्या होगा, पानी जब तक लोगों का व्यवस्थित नहीं होगा घरों का, आरसीसी डलवा भी दिया आपने, उससे क्या होगा, यहाँ आरसीसी यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आरसीसी है, यहाँ पर पानी बह रहा है, ये सरकार समझ में नहीं आता है। विधानसभा आलापुर अंतर्गत विकास खंड जहांगीरगंज के गांव रामपुर रामगुलाब में आयोजित स्वागत समारोह में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की जिला सह संयोजक उपमा पांडे ने महिला सशक्तिकरण एवं उनके आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रेरणाप्रद शब्दों में कहा कि अपने उत्थान के लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना होगा, पार्टी उनके साथ खड़ी है, स्वरोजगार स्थापित करने हेतु हर गांव में महिला समूह बनाकर गृह सूक्ष्म लघु उद्योग की स्थापना करें, सरकार की नीतियों के हिसाब से उनको हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी, बैंकों से ऋण एवं रोजगार से जुड़ी किसी भी समस्या के निवारण हेतु विषय को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वागत समारोह कार्यक्रम जयनाथ पांडे उदय भान पांडे के निवास स्थान रामपुर रामगुलाब में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश निदेशक
यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, भाजपा नेता संजय सिंह, धर्मवीर मिश्र, दिवाकर ओझा, ज्ञानेंद्र सिंह, महेंद्र वर्मा, महेंद्र तिवारी, अमित गिरी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का कुशल संचालन अरविंद उपाध्याय ने किया। स्वागत समारोह में महिला नेत्री उपमा पांडे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता का माल्यार्पण और अंक वस्त्र देकर आशीर्वाद दुख प्राप्त किया। कार्यक्रम में सम्मिलित पार्टी कार्यकर्ताओं का स्वागत अधिवक्ता जयनाथ पांडे, रघुनाथ पांडे, अंजू पांडे आदि लोगों ने किया। कार्यक्रम में सम्मिलित वरिष्ठ पत्रकार सुरेश चंद्र पांडे, वरिष्ठ पत्रकार वाकेलाल निषाद, जितेंद्र भार्गव, राजेश कुमार का स्वागत अंक वस्त्र देकर अधिवक्ता जयनाथ पांडे, रघुनाथ पांडे ने किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य लोग बैजनाथ पांडे, हीरामणि पांडे, विनय सिंह, सत्येंद्र पांडे, चंचल कुमार पांडे, रमेश चंद मिश्रा, आमिर खान, शेर खान, रजिया, अजरुन निशा, इंद्रजीत शर्मा, संजय सिंह, ओम प्रकाश यादव, जरीना फरजाना, साजिदा आदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मौजूद रहे। देखिए अम्बेडकर नगर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि बैंक चलें, बैंक किसानों को ऋण दें। 2017 से भूमि विकास बैंक में कोई ऋण, कृषि ऋण नहीं वितरित किया गया। हमारी निदेशक मंडल की पहली बैठक 14 अक्टूबर को होने जा रही है। हम लोगों ने सारे उससे निर्देशित किया है, सारे आरएम से और प्रबंधकों से, शाखा प्रबंधकों से बात की है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हमारे किसानों को, गरीब लोगों को ऋण मिले। जब तक ऋण नहीं बढ़ना शुरू होगा तब तक हम उस बैंक से हमारा क्या लाभ हो सकता है। तो हम पहले ही बैठक में ये तय करेंगे कि कैसे ऋण हम वितरित करा सकते हैं, और ऋण वितरित करा करके उसमें कई ऐसी योजनाएं हैं जो सीधे सीधे केवल गरीबों को कम ब्याज दर पर दी जा सकती हैं, चाहे छोटे किसान हों, पिछड़ी जात के लोग हों, अनुसूचित जात के लोग हैं, उनको कम ब्याज दर पर ऋण दिला करके किसानों को अधिक से अधिक लाभ बैंक से दिलाने का प्रयास। जिला जालौन के कस्बा कदौरा में पूर्व नगर अध्यक्ष व नगर उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें 2022 के इलेक्शन पर अखिलेश यादव की सरकार बनाने पर जोर दिया गया। पर हाथरस में हुए जघन्य अपराध में शामिल अपराधी एवं हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दी जाए, जिससे पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजहर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है, न कोई कानून व्यवस्था बची है और न ही बेटियां सुरक्षित हैं। नगर अध्यक्ष ने कहा कि मैं हाथरस कांड की निंदा करता हूं और योगी सरकार से कहता हूं कि वह प्रदेश नहीं संभाल पा रहे हैं, इसलिए इस्तीफा दे दें। जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अजहर बेग, नगर अध्यक्ष इश्तियाक अली, उपाध्यक्ष अभिषेक पंवार के साथ कई सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कदौरा से रेहान रजा की रिपोर्ट। हाथरस में जो मनीषा वाल्मीकि के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, आज उसको पूरा भारत देख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर रही है, उनको वहां जाने नहीं दे रही है, जिससे उनकी जो नाकामियां हैं वो सामने आ जाएंगी। अभी हाल ही में एक प्रेस के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पता चला है कि उनके परिवार वालों से कहा जा रहा है कि आपका नार्को टेस्ट होना है। अगर मेरा ये कहना है कि वहाँ के डीएम और एसपी का नार्को टेस्ट करा लिया जाए तो जो घटना, जो सच्चाई है वो सब सामने आ जाएगी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश ऐसा लग रहा है जैसे जो उत्तर प्रदेश नहीं बलात्कारी प्रदेश हो गया। हाथरस की घटना के बाद बलरामपुर में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसकी टांगें तोड़ दी जाती हैं। उसके तुरंत बाद कैलिया में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। इस तरीके की घटना जो उत्तर प्रदेश में घट रही हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि योगी सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। और मैं एक शेर के साथ अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा कि गुर्बत के हाथ इनके निमाला ना जाएगा, रहने दो देश इनसे संभाला ना जाएगा। हर बार ही जो आपके पहलू में आ गिरे, अब ऐसा कोई सिक्का उछाला ना जाएगा। और बनकर दिया चलोगे तो फैलेगी रोशनी, अरे जुगनू से किसी घर में उजाला ना जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद। मेरा ये कहना है कि जो हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ जो इतनी दरिंदगी हुई, उसके खिलाफ़ सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही।
एक तो जो है एसपी जो निलंबित हुआ उसके साथ सात और अधिकारी निलंबित हुए। मैं चाहूँगा कि डीएम भी निलंबित हो और योगी जी इस्तीफा दें। जब कारोबार नहीं संभल रहा है तो इस्तीफा दे दें और ये जो है डाइवोर्स के लिए कानून बना दें। तीन तलाक के लिए, तीन तलाक तो एक महीने में 14 होती हैं और रेप वाले हफ्ता भर में 15 हो रहे हैं। इनके लिए कौन सा कानून बना है अभी तक? इनके लिए कोई कड़ा कानून बना है? 8 दिन में फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालें, जल्दी से उनको सजा हो, फांसी हो तो उसको न्याय मिले। जो आप देख रहे हैं हाथरस वाला केस चल रहा है, जैसा कि मोदी जी हमारे योगी जी अभी तक कोई गाय मर गई होती तो कयामत आ जाती, शहर के शहर चल जाते। अभी जो एक लड़की मरी है जिसका कोई वो नहीं है, मीडिया वालों को 3 दिन से बाहर जाने नहीं दे रहे थे, परेशान कर रखा था, रोक रहे थे। राहुल गांधी एक बार गहना होता है, अब माननीय अखिलेश यादव भी जाने वाले हैं, आज खुदा ने कहा है। इनको हत्यारों को फांसी होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चाहे जितने बड़े इसमें नेता लगे हों पीछे, जितने बड़े लीडर हों, जिसमें जनता उखड़ के सामने आई है और हम लोग साथ खड़े हैं, हर एक व्यक्ति हर एक हिंदुस्तानी उस मनीषा के साथ खड़ा है। इनको हत्यारों को सिर्फ और सिर्फ फांसी होना चाहिए। गाय से काम नहीं चलेगा, बेटी बचाइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो इनका नारा था मोदी जी का, ऐसा ये कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों को हताश कर रखा है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, बिल्कुल विफल सरकार है जी। लोगों को चूतिया बनाती है, बेकार के जुमले कहती है और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती है ये। भाई जो हाथरस वाले कांड में आपको क्या कहना है? जो हाथरस वाला कांड हुआ है बहुत निंदनीय, बहुत निंदनीय, बहुत शर्मिंदा करने वाला, इंसानियत को जोड़ने वाला। अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चलती रही तो बहु बेटियों का घर से बाहर निकलना दोभर हो जाएगा। जब समाचार खोल दो टीवी का, जब अखबार देखो तो बस यही खबर मिलती है कि उस गांव में छेड़खानी हुई, यहां पर बलात्कार हुआ, यहां मर्डर हुआ, बहुत रेप हो रहे हैं, बहुत मर्डर हो रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जो हमारे सीएम साहब हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, बाबा जी, इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए और अपना गोरखपुर में अपने धाम में जाके पूजा पाठ में बैठना चाहिए, या फिर इनको अयोध्या में जाके मंदिर का काम है कि बहुत भ्रष्ट सरकार है। इस सरकार में जितने मर्डर हुए हैं, जितनी डकैतियाँ पड़ी हैं, जितने रेप हुए हैं, शायद इतिहास उठा के देखा जाए तो कभी ऐसा ना हुआ होगा। यहाँ की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, मैं इस मीडिया के माध्यम से अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मनीषा वाल्मीकि के साथ हाथरस में हुआ है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, आज पहुँच रहे हैं, क्योंकि वो अभी बाहर थे, इससे पहले आज ही वो लंदन से वापस आए हैं और सीधे लंदन से वापस आने के बाद दिल्ली से सीधा उनकी रवानगी हाथरस के लिए हुई है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज जाएंगे, उनके बिटिया के माँ बाप से मिलेंगे, उनके रिश्तेदारों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि क्या हक है, क्या ना हक है और तुम्हें इसमें क्या कार्रवाई करना चाहिए। बड़ा अत्याचार हो रहा है, डेड बॉडी नहीं दी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई, 2 बजे रात की बिटिया की लाश जला दी गई, ये कहाँ का तरीका है? ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये बलात्कारी का देश है, प्रदेश बना दिया है, इस प्रदेश को बिल्कुल आग में डाल दिया गया है। मेरी जनता से अपील है कि समझो, सोचो और देखो ये क्या हो रहा है, कैसा अन्याय हो रहा है गरीबों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ। किसान विरोधी बिल पास कर दिया गया है, महिलाओं की पेंशन चलती थी, माननीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव के ज़माने में वो पेंशन भी बंद कर दी गई है। नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था इस सरकार ने 2014 में, जब इलेक्शन हुआ था, जब उसमें इन्होंने वादा किया था। 2014 के बाद 2019 का इलेक्शन हुआ, अभी तक कहा 2 करोड़ पर साल, हर साल कह रहे थे हम 2 करोड़ जवानों को, नौजवानों को रोजगार देंगे। आजकल बजाय नौकरी देने के नौजवान बेचारा मारा ढकेला फिर रहा है, पकौड़े बना रहा है, कहीं अपने रोजमर्रा के नौकरी नहीं कर पा रहा है और खाने के लिए नौजवान के लिए कुछ नहीं है।
किसान से कहा था कि तुम्हारी आय दुगनी हो जाएगी, किसान परेशान है, आय दुगनी बजाय होने बजाय वो अपने गायों की रखवाली से बेचारा किसान रात दिन अपना घर छोड़ के खेतों में डला है, तब भी अपनी फसल नहीं रखा पा रहा है। यूपी के जौनपुर जिले के थाना खेता सराय क्षेत्र अंतर्गत मनेछा गांव में आज रात में अचानक 11,000 वोल्टेज का तार जो लुम्बिनी दुधी राष्ट्रीय राजमार्ग को क्रॉस करता हुआ खेता सराय की सप्लाई को देता है, आज रोड पर गिर जाने की वजह से यातायात पूर्ण रूप से बाधित हो गया। लगभग 5 किलोमीटर तक जाम लगा रहा। ग्रामीणों ने आनंद फानंद में इसकी सूचना नजदीक पावर हाउस पर दिया। पावर हाउस पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ग्रामीण थक हार कर वापस आ गए। मौके पर 112 नंबर भी आई और देखकर चली गई। ग्रामीणों ने कहीं से खोदकर लकड़ी की बल्ली लाकर तार को उठाया, तब जाकर पुनः यातायात चालू हो सका, जिसमें ग्रामीण सूर्य भान यादव, मोहम्मद सलीम, अजय कुमार, विवेक अब्दुल्ला, मिथिलेश मुन्ना भाई, कल्लू भाई आदि लोग मौजूद रहे। देखिए खेतासराय से राकेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। क्या बात है, इतनी रात को आप लोग रोड पे क्यों भीड़ लगाए हैं? हम लोग इसलिए यहाँ आए थे कि देखे गाड़ियों का बहुत लंबा ताता लगा था और आए देखे तो यहाँ 11,000 वोल्ट रोड पे गिर गया था। बासाई पावर हाउस के अंतर्गत खेतासराय फीडर पे तार गिरा था, जिसको हम लोग लगभग 2 घंटे से मशक्कत के बाद बांस बल्ली के सहारे ऊंचा कर पाए हैं। तो आप लोगों ने बिजली विभाग को सूचना नहीं दिया? जी, हम लोगों ने सूचना दिया और कई बार पावर हाउस पे गए भी, पता चला कि सभी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, कोई जाएगा नहीं और कई नंबरों पे लगाया गया जिससे सभी नंबर स्विच आ पा रहे थे। तो यहाँ थाना भी नज़दीक है, पुलिस वाले नहीं आए थे? पुलिस 100 नंबर आई थी, लेकिन वो भी हम ही लोगों से मदद लेके निकल गई। तो काफ़ी लंबा जाम लगा होगा? जाम लगभग 5 किलोमीटर के अंतराल में लगा हुआ है यहाँ गुरैनी से खेतासराय के बीच। तो कितना देर तक लगभग मेहनत आप लोगों को करना पड़ा ये कार्य करने के लिए? 1.5 से 2 घंटे का मशक्कत रहा। ये कौन सी जगह है? ये जगह है मनेछा मोड़। क्या नाम है आपका? सूरी भान यादव। तो आप लोग इस गांव के रहने वाले हैं? जी, हम तथा हमारे सभी साथी यहाँ जो भी मौजूद हैं, सभी लोगों के मशक्कत से ये काम हो पाया है। आप लोगों का बड़ा सराहनीय काम रहा है, जो आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाते हुए इस तार को ऊपर किया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतने के समाचार, आगे कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।